हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर विल बी फाइन. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर ऑनलाइन क्लास एंड टुडे आई विल टीच टू यू टॉपिक लॉन्गिट्यूड. ओके, एंड आई विल एक्सप्लेन सम टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. And today I will teach to you some remaining topics of this chapter. Okay? And longitude and difference between latitude and longitude. Okay? सबसे पहले बच्चों, हमने आपको बताया था कि latitude क्या होता है. ठीक है, latitude means देशांतर रेखा. एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ. सॉरी बेटा, देखिए लैटिट्यूड मीन्स होता है अक्षांश रेखा. ठीक है, सबसे पहले हम आपको एक बार क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं. ठीक है, देखिए लैटिट्यूड, बस हम आपको एक्सप्लेनेशन से नहीं ओनली बता रहे हैं. ठीक है, तो आप क्या करिएगा, केवल सुनिए और आपका ऐसे क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, यानी पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं. ठीक है, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है, और इस दूरी को कटिबंध या जोन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, और अब देखिए ये था किसके बारे में, लैटिट्यूड के बारे में. अब हम जानते हैं किसके बारे में, इक्वेटर के बारे में. उसे क्या बोलते हैं, विषुवत या भूमध्य रेखा. ठीक है, यानी कि तरफ खींची गई रेखा को उत्तरी अक्षांश मानकर, यानी नॉर्थ उत्तरी अक्षांश मानकर, तथा साउथ की तरफ खींची गई रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं. ठीक है, यानी उत्तर नॉर्थ वाली नॉर्थ पोल और साउथ वाला साउथ पोल. ठीक है, और जो जीरो डिग्री पर रहती है, जीरो डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर, उसे वो यानी इन इक्वेटर को इन सभी नामों से जानते हैं. ठीक है, और ये देखो, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इक्वेटर के बारे में. यह रेखा पूरी पृथ्वी को क्या करती है, पूरे अर्थ को, पोल अर्थ को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, बांटती है. ठीक है, उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, के नाम से जाना जाता है. इस रेखा की कुल लंबाई कितनी होती है, आपको पता है, मैंने बताया था ना. चलिए, अगर आपको लर्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, और नहीं भी लर्न है तो आप वीडियो देखिएगा. ठीक है, 40,076 किलोमीटर है. अब देखिए, इस रेखा पर यानी इस लाइन पर सूर्य जो होता है वो वर्ष भर क्या करता है, चमकता रहता है. इस वजह से यहाँ का तापमान, यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बना रहता है. और यहाँ पर यानी ठंडी कम पाया जाता है, यानी शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है. और अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ पर सबसे कम तापांतर होता है, तो विषुवत रेखा पर तापांतर सबसे कम पाया जाता है. और भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर ही बच्चों पूरे वर्ष दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है. ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इक्वेटर पर क्या होती है, न्यूनतम होती है, जबकि पोल्स पर क्या होती है, अधिकतम होती है. ठीक है, अब देखिए और एक बार, ये जो इक्वेटर होता है वो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका और एशिया कंटिनेंट के द्वीपीय देशों से होकर गुजरती हैं. ठीक है, कहाँ से गुजरती हैं, ये हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों, कांगो और जायरे नदी. ठीक है, कांगो और जायरे रिवर क्या करती है, इक्वेटर को दो बार काटती है. कितनी बार काटती है, दो बार काटती है. ठीक है, और विक्टोरिया झील से होकर इक्वेटर क्या करती है, गुजरती है. किससे, विक्टोरिया झील से. जैसे ये हमारी इक्वेटर दिख रही है, तो जब यहाँ पर नॉर्थ साउथ जो और हमारे सारे वर्ल्ड के
कंटिनेंट्स और कंट्रीज शो होते हैं। तो ये किससे होकर गुजरती है, यहाँ पर बीच में आपको क्या मिलेगा, विक्टोरिया झील मिलेगी, ठीक है, विक्टोरिया लेक, तो वो उसी से होकर गुजरती है। ये था किसके बारे में बच्चों, लैटिट्यूड और इक्वेटर के बारे में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में। देखिए लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड मीन्स होता है देशांतर रेखा। क्या होता है बच्चों, देशांतर रेखा होता है। अब देखिए देशांतर रेखा के बारे में हम क्या जानते हैं, यानी देखिए इसमें दिया गया है, हम आपको एक्सप्लेनेशन वैसे ही बता रहे हैं, ठीक है। देखिए देशांतर रेखा को यामोत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों, ये एक्सप्लेनेशन हम अगर आपको एक लाइन पढ़ के बताते हैं तो बहुत ज़्यादा, इतना टाइम नहीं है क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए देशांतर रेखा को किसके नाम से जाना जाता है, यामोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, उसी रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहा जाता है। किसको, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है, ध्रुव को मिलाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा कहा जाता है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे कम कहाँ होती है, सबसे कम पोल्स पर होती है और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, इक्वेटर पर होती है। ओके अंडरस्टैंड, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यानी दो यानी टू लेटिट्यूड्स लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे कम कहाँ पर होती है, पोल्स पर होती है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, इक्वेटर पर होती है, ठीक है। अब देखिए ज़ीरो डिग्री, ज़ीरो डिग्री रेखा की बात हम लोग करते हैं, यानी ज़ीरो डिग्री प्रधान या मोत्तर रेखा, ठीक है। ज़ीरो डिग्री प्रधान या मोत्तर रेखा प्रधान मध्यान ग्रीनविच यानी GMT के भी नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है GMT, और यह रेखा कहाँ पर स्थित है, यानी इंग्लैंड के लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला से खींची गई है। कहाँ से खींची गई है, यानी यह रेखा इंग्लैंड के लंदन के पास से स्थित ग्रीनविच वेधशाला से खींची गई है। और यह रेखा स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, धाना, माली, बुर्किना फांसो, अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, यह रेखा स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, धाना, यानी जितने मैंने बताया इन्हीं सभी से होकर गुजरती है, ठीक है। अब देखिए ज़ीरो डिग्री यानी लैटिट्यूड लाइंस यानी 23.5 कर्क रेखा, कर्क रेखा जानते हैं आप किसे बोलते हैं, आपको पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए जीरो डिग्री देशांतर यानी 23.5 नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ यानी कर्क रेखा महाद्वीप से अल्जीरिया में देश को काटती है, ठीक है। और जीरो डिग्री देशांतर वोल्टा झील कहाँ से होकर गुजरती है, धाना से होकर गुजरती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, इसमें हमने आपको बताया था लैटिट्यूड्स नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में, ठीक है। ये देखिए आप अपने बुक को ध्यान से देखिएगा, देखिए ये क्या है, ये है द स्पेशल लैटिट्यूड्स, ये लैटिट्यूड्स है यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा साउथ पोल है। क्या है ये हमारा, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है। 66.5 नॉर्थ को क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं यानी आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और 23.5 नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा बोलते हैं। ज़ीरो डिग्री इक्वेटर जो मैंने बताया भूमध्य या विषुवत रेखा, और 23.5 साउथ यानी ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब और ये देखिए 66.5 साउथ, इसे अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, यानी तो समझ में आया आपको। तो हम बता रहे थे बच्चों आपको रेखाओं के बारे में, देखिए सबसे पहले हम किसके किसकी बात करते हैं, 23
हाफ नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, यानी ये जो है इसके बारे में आपको बता रहे हैं 23, इसे कर्क वृत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क वृत्त भी कहते हैं और इसे उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये रेखा कर्क रेखा जो होती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है वो एशिया और मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, एशिया और मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है, यानी हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ताइवान और मैक्सिको जल संधि से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से, यानी हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान और मैक्सिको जल संधि से होकर गुजरती है। ठीक है, और बेटा कर्क रेखा पूरे भारत को बांटने का, विभाजित करने का काम करती है। क्या करती है, बांटने का और विभाजित करने का काम करती है। अब देखिए इंडिया की माही रिवर, कौन सी रिवर, इंडिया की माही रिवर कर्क रेखा को दो बार काटती है। क्या करती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा मिस्र देश के नासिर झील से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, नासिर झील से होकर गुजरती है। और 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर क्या होती हैं, लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, अब देखिए हमने आपको किसके बारे में बताया, 23.5 नॉर्थ के बारे में। अब हम किसके बारे में आपको बताते हैं, 23.5 साउथ के बारे में। इसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, यानी 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा या मकर वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, मकर रेखा या मकर वृत्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। किससे किससे गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये था किसके बारे में, 23.5 साउथ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं 26.5 नॉर्थ यानी आर्कटिक सर्कल, यानी किसके बारे में, आर्कटिक वृत्त के बारे में। आर्कटिक रेखा आर्कटिक महासागर, कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, नॉर्वे, स्वीडन, अलास्का, फिनलैंड से होकर गुजरती है। ठीक है, और यह कनाडा के ग्रेट बियर झील से भी होकर गुजरती है। कहाँ से, ग्रेट बियर झील से भी होकर गुजरती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, 66.5 साउथ के बारे में, अंटार्कटिक वृत्त के बारे में। ठीक है, देखिए अंटार्कटिका का अधिकतर भाग हमेशा क्या होता है, बर्फ से ढका हुआ होता है। किससे ढका हुआ होता है बच्चों, बर्फ से ढका हुआ होता है। इसलिए इसे कौन सा कंटिनेंट भी कहा जाता है, इसे वाइट कंटिनेंट भी कहा जाता है, यानी सफ़ेद महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये था किसके बारे में, हमारे ट्रॉपिक्स के बारे में। तो आपने जाना किसके बारे में बच्चों, ट्रॉपिक्स के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं किसके बारे में, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ओके, दिस टेबल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड आर सर्कल्स ऑफ डिफरेंट साइज, द इक्वेटर इज द बिगेस्ट सर्कल एंड लैटिट्यूड्स नियर द पोल्स एंड द स्मॉलेस्ट सर्कल। लैटिट्यूड एट ईच पोल इज अ डॉट। अब देखिए ये क्या है, लैटिट्यूड सर्कल्स डिफरेंट साइज के होते हैं। ठीक है, इक्वेटर पर बिगेस्ट सर्कल पर लैटिट्यूड क्या होते हैं, पोल्स, यानी इक्वेटर पर बड़े सर्कल्स में जो मैंने बताया, और पोल्स पर क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट सर्कल में होते हैं। ठीक है, और लैटिट्यूड यानी ईच पोल पर क्या होते हैं, डॉट डॉट होते हैं। अब इसी तरह लॉन्गिट्यूड में देखिए, लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल्स में होते हैं, यानी जो सर्कल्स होते हैं वो सेमी सर्कल्स में होते हैं इसके साइज। ठीक है, दे गो फ्रॉम वन पोल टू अदर, यानी वे एक पोल से अदर पोल्स पर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अब देखिए
लेटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर सो दे नेवर मीट। लेटिट्यूड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकते हैं। अब देखिए लॉन्गिट्यूड मीट एट द पोल्स, दे आर वाइडेस्ट अपॉर्ट द इक्वेटर। और ये कैसे होते हैं, ये पैरेलल होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये वाइडेस्ट अपॉर्ट होते हैं, इसलिए ये मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लैटिट्यूड रन इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये कहाँ से रन करते हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से। अब देखिए लॉन्गिट्यूड रन इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये कहाँ रन करते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए द इक्वेटर इज नंबर्ड एज 0 degree, द अदर लैटिट्यूड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 19 नॉर्थ और साउथ डिपेंडिंग ऑन व्हिच हेमिस्फीयर दे आर इन। द इक्वेटर नंबर कहाँ पर, इक्वेटर नंबर क्या होता है, 0 degree पर होता है। ठीक है, और 1 degree से 90 degree नॉर्थ और साउथ, साउथ किस पर डिपेंडिंग करता है, उसके हेमिस्फीयर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए द प्राइम मेरिडियन इज अ नंबर्ड एज 0। प्राइम मेरिडियन क्या होता है, 0 होता है, और अदर लॉन्गिट्यूड नंबर्ड फ्रॉम 1 to onwards ईस्ट और वेस्ट एडेड टू द नंबर डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर ईस्ट और वेस्ट टू प्राइम मेरिडियन। ये किस पर निर्भर करता है, ईस्ट और वेस्ट पर निर्भर करता है। ठीक है, और कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों देखिए, यानी कुछ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को केवल मानकर खींचा गया है, क्योंकि अगर स्थलखंड से खींचा जाता तो वो एक देश में 2 दिन होते, और इस रेखा को यानी इस रेखा को ईस्ट में जाने पर 1 दिन बढ़ेगा, और यानी वेस्ट में जाने पर 1 दिन क्या होगा, घटेगा। अभी देखिए, अब देखिए बेटा हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स बताने जा रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लोगों के यहाँ तो दिन और रात होते हैं, लेकिन पोल्स पर कैसे दिन और रात होते हैं, ठीक है, यानी ये स्थिति बनती है कैसे, ये मैंने आपको बताया कि ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये हमारा साउथ पोल होता है। ठीक है, और 23.5 नॉर्थ को हम लोग कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, 23.5 साउथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। 0 degree जो हमारी होती है वो इक्वेटर, विषुवत या भूमध्य रेखा होती है। देखिए क्या होता है, पोल्स पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं, कैसे होते हैं, देखिए ये क्या है, ये 22 June है, जब यहाँ पर सूर्य रहता है, सन यहाँ पर रहता है। ठीक है, और देखिए यानी 21 June की स्थिति में क्या होता है बच्चों, यानी जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है, कहाँ रहता है, उत्तरी गोलार्ध में, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है ना, ये नॉर्थ पोल है, जब इसमें रहता है तो क्या होता है, 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर चमकता है, कहाँ पर चमकता है, 23 degree नॉर्थ पर चमकता रहता है। ठीक है, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन यानी नॉर्थ पोल में सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे छोटी रात होती है, कहाँ होती है, जब यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा तो सबसे छोटी रात कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। ठीक है, ये बेटा 21 है, ठीक है, जब यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा तो यहाँ पर सबसे छोटी रात होगी, और जब यहाँ पर सबसे छोटी रात होगी तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा, ये अपोजिट होते हैं। तो बेटा जब ये होता है कि यहाँ सबसे बड़ा दिन और यहाँ सबसे छोटी रात होती है, तो जानते हैं इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को ग्रीष्म एनाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीष्म एनाथ बोलते हैं या उत्तरी एनाथ बोलते हैं। और आपको पता भी होगा कि 21 June को क्या मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 21 June की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में, अब यही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, इसी स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में यानी साउथ पोल में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है, क्या होता है, सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, जब यही स्थिति आती है 22 दिसंबर में, यानी जब सूर्य यहाँ से यहाँ आ जाता है, तब क्या होता है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटा होता है। जब रात सबसे बड़ी होगी तो दिन सबसे छोटा होगा, यानी ये दो अपोजिट होते रहते हैं। ठीक है, और फिर जब 22 दिसंबर की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है, तो मैंने बताया उत्तरी गोलार्ध का कि 22 दिसंबर की स्थिति जब उत्तरी गोलार्ध में होती है, तब उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटा होता है, और 22 दिसंबर की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में जब होती है, तो इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात क्या होती है,
सबसे छोटी रात होती है यहाँ पर और सबसे बड़ा दिन होता है। इसे शीत अयनांत या दक्षिणी अयनांत के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है? इसे शीत अयनांत या दक्षिणी अयनांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था किसके बारे में? देखिए, ये मैंने बताया, ये था किसके बारे में? किसके बारे में? यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड, ये था इन सभी के बारे में। और इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी, ओके? एंड आई विल सेंड ऑल एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग थ्रू द PDF, ओके? थैंक यू क्लास। और मैंने बच्चों शायद आपको ये फिगर दिया था बनाने के लिए, ये वाला, और आपको ये भी फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है? और एक्सरसाइज वगैरह मैं आपको सेंड करूँगी, आपको वर्क करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी, ओके? ठीक है बच्चों, आप क्या, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिएगा और अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट करिएगा। एंड वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन ऑल्सो। थैंक यू क्लास।